लो आ गया था, आज आ गया बहुत ही था अच्छा भगवान। सौभाग्य हम सबका। आज बाबा के घर आए, आशीर्वाद प्राप्त किया और आज पूरी तलेगी कड़ाहे वाली वो आज आपको हम सबको दिखाएंगे हमारे वीडियो द्वारा। आप सभी देखिए और कड़ाहे की पूरी जो हम लोगों के गांव में तैयार होती है उसकी तैयारियां आपको मैंने दिखाया। उधर आटा सन चुका है और ये बड़ी भव्यता से हमारे भैया कढ़ाई में घी डाल रहे हैं। अब इसी में पूरी छनेगी कुछ ही देर में, तब तक मैं और दृश्यों से आप सबको परिचित कराता हूँ। आज अवंतिका जी भी गांव के इस माहौल में सब घूमते टहलते और ये कितना प्यारा बछड़ा है। और सुबह मतलब अवंतिका जी जा रही हैं उस बछड़े को खिलाने, लेकिन देखिए उसकी माँ कितनी तेज़ दौड़ाने के लिए तैयार है कि अगर अभी छूट जाए तो शायद बहुत तेज अवंतिका को दौड़ाएगी और हो सकता है मार भी देगी। और तैयारी जोर शोर से शिवा जी ने भी सोचा कि जब दीदी जा रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं और बढ़िया गाय को बछड़े को खिलाते हुए। गांव की छत की सीढ़ी भी कितनी बेहतरीन है और देखिए साथ में ही लूडो के गेम में सारे लोग लगे हुए, बहुत ही आनंद आता है ऐसे गेम खेलते हुए। शायद ही अब लोगों के पास इतना समय बचा है कि वो अपनी चीज़ों में इतना समय दे सके। आज अवंतिका जी के बाबा और शिवा के बाबा दोनों को आज गांव का भ्रमण कराने लेके आए हैं। शिवा जो है सुबह जो है डर रही थी और ये देखे फिर गाय अवंतिका को दौड़ाई है। अवंतिका इस चीज को देख रही है लेकिन सोच रही, उसको बछड़ा इतना प्यारा लग रहा है कि सोच रही कैसे मैं खिला लूं बस। और पूड़ियां छनने को तैयार हैं, सारी लोहियां बन चुकी हैं, शुरुआत होने जा रही है। भट्टी भी जल चुकी है और ये देखे भट्टी में पूरी मिनटों में तल गई, डाला और निकाला, क्या बढ़िया। एक साथ कम से कम 35-30 पूड़ियाँ तल गई इस कड़ाही में। और जो गांव की पूड़ी इस भट्टी में और कड़ाही में निकलेगी उसका स्वाद आप खुद समझ सकते हैं कितना लाजवाब होगा। सभी मेहनत करते हुए कुछ ही देर में शिवा अवंतिका और उनके बाबा इस पूड़ी का आनंद लेने वाले हैं। और यह कान्हा शिवाजी के मित्र जो आप सब देख रहे हैं, ये पूड़ी इन लोग बेल के तक छान रहे हैं। अब कुछ ही देर में खाना बन के आने वाला है। शिवा सूबी की भूख पड़ चुकी है, अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। बाय।